तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी, आज के भोजन यूट्यूबर अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, एक यूट्यूबर है और एक हिंदू धर्म के प्रचारक है जिनका नाम है राहुल आर्या। वो भारत के लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में किस प्रकार का जहर घोल रहे हैं, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले स्टोरी निकल कर आ रही है दशुद्रा चैनल से। इसके ऊपर राजरतन अंबेडकर जी का एक वीडियो आया है जिसमें राजरतन अंबेडकर जी ने बताया है कि भारत का संविधान लिखने के बाद और पूरा संविधान संसद के अंदर सौंपने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आंखों से आंसू आ गए थे और वो अपने घर पर बैठकर रो रहे थे। इसका कारण ये था दोस्तों, उनकी आंखों से आंसू इसलिए आए थे क्योंकि वो अपने, उन्होंने जो पूर्व में पहले अपना जो पुत्र खो चुके थे गरीबी के कारण, जिसका नाम राजरतन था, उसको याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये वीडियो देखो। ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 26 नवंबर 1949 को भारत को संविधान देने के बाद याद आ गई। बाबा साहब शास्त्री से कहते कि शास्त्री एक समय था कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा राजरत्न इस जहां से जाते समय मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मेरा बच्चा बिना कफन के इस जहां से चला गया, लेकिन आज मैंने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया है। और एक ऐसी, दोस्तों पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। राजरतन अंबेडकर जी ने बताया है कि बाबा साहब अंबेडकर इसलिए उस समय रोए थे क्योंकि उन्होंने सोचा, वो अपने मन में सोच रहे थे कि एक समय था जब उनको अपने पुत्र की जो मैयत रहती है उसको ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, उसके कफन के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने संविधान लिखकर ऐसा कर दिया कि उनके समाज का हर बच्चा, आने वाले भारत का हर बच्चा आने वाले समय में सूट बूट पहनेगा। तो यार, सैल्यूट है बाबा साहब अंबेडकर को। आप बाबा साहब के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस, अगली स्टोरी निकल कर आ रही है MNTV से। MNTV के ऊपर एक वीडियो आया है, जैसा कि आपको पता होगा क्या होता है, पालघर की जो घटना हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है जिसमें दो साधुओं को और एक उनके ड्राइवर को लिंच करके मार दिया गया, जिसमें कुछ 110 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। इसके पीछे जो बामसेफ के एक कार्यकर्ता है, उन्होंने वीडियो बनाकर बताया है कि इसके पीछे पूरी RSS है और जिन्होंने भी लिंचिंग की है वो पूरे RSS के लोग हैं। तो ये वीडियो देखो। ये प्लानबद्ध कार्यक्रम हुआ है क्योंकि जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग थे वे 90.90% लोग RSS से रिलेटेड है। गढ़ चिंचली गांव जो है, देहात जो है, वहां पर ग्राम पंचायत में जो सत्ता है वो BJP की सत्ता है, BJP का सरपंच है, यानी BJP का प्रधान गढ़ चिंचली गांव में है। दोस्तों पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के ये जो कार्यकर्ता बोल रहे थे कि जिन्होंने भी उन साधु को लिंच किया है, मारा है, वे सभी लोग RSS के थे और वहां पे जो सरपंच थी या कहे कि वहां के जो पार्षद थी वो सब BJP के लोग हैं और वहाँ के पार्षद भी BJP की मेंबर है और BJP की टिकट से ही चुनाव लड़के वहाँ पे पार्षद बनी है और वो एरिया में BJP और RSS का दबदबा है, ऐसा कहना है बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के जो मेंबर थे उनका। इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। क्या इस पूरे लिंचिंग में RSS का हाथ है या नहीं है, नीचे कमेंट करो फटाक से। गाइस, अगली स्टोरी निकल कर आ रही है धाकड़ TV की तरफ से। धाकड़ TV के जो एंकर है अरुण गौतम ने एक कहानी बताई है। जैसा कि आपको पता होगा, साउथ में, क्या बोलते, कर्नाटक में एक ऐसी प्रथा थी पहले जिसे ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था, यानी कि स्तन कर। महिलाएं अपना स्तन नहीं ढक पाती थी अगर वो टैक्स नहीं देती थी, तो कर नहीं दे पाती थी। तो ये पूरी ब्राह्मणिकल व्यवस्था थी, यानी कि जो वहां का राजा था वो ब्राह्मण था और उसने ऐसी व्यवस्था वहां पर लाई थी और इन सबसे मुक्ति दिलाई थी वहां पर टीपू सुल्तान ने। हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान ने। तो ये वीडियो देखो। बताया जाता है कि नंगोली के दहन संस्कार के वक्त उनके पति भी उस आग में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। नंगोली ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी समुदाय की औरतों के लिए ये कदम उठाया था। उनका ये बलिदान इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। मनवाद और ब्राह्मणवाद का ये एक ऐसा भयानक दृश्य था कि एक स्त्री को निचली जाति होने के कारण उन्हें स्तन तक न ढकने दिया गया हो, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वहाँ का ब्राह्मण राजा निर्दयी और अय्याश टाइप का था। वहाँ की जनता को उस राजा से छुटकारा दिलाने के लिए टीपू सुल्तान ने उस पे आक्रमण कर दिया। दोस्तों पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। अब आप लोग ही डिसाइड करिए, एक ब्राह्मण राजा जो बहुजन समाज की महिलाओं के ऊपर स्तन टैक्स लगाता है और एक मुस्लिम राजा
ऐसा व्यक्ति जिसे भारत में मीडिया के द्वारा, सरकारों के द्वारा विलन बताया गया टीपू सुल्तान, वो भारत की महिलाओं को, बहुजन समाज की महिलाओं को स्तन टैक्स से बचाता है उस राज्य को जीतकर। तो बताइए, एक ब्राह्मण सही है या एक मुसलमान सही है? ये इसने स्तन टैक्स लगाया था और इसने स्तन टैक्स से महिलाओं को बचाया था, कौन सही है? नीचे कमेंट करके फटाक से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है, बॉलीवुड के एक सिंगर है जिनका नाम है सोनू निगम। दोस्तों वो अक्सर विवादों में फंसे रहते हैं, अपने एक 2 साल पुराने ट्वीट को लेकर अभी वो विवादों में आ गए हैं। मतलब क्या है भाई, उन्होंने एक बार एक ट्वीट किया था अजान को लेकर, जो 5 बजे की अजान होती है। उनका कहना था कि ये अजान से उन्हें तकलीफ होती है, उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है, तो ये 5 बजे की अजान को बैन कर देना चाहिए। इसके लिए काफी ज्यादा विवाद हो गया था देश के अंदर। अब वो ट्वीट जो सऊदी के प्रिंस है उन्होंने रीट्वीट करके बोला है कि ये जो व्यक्ति जो भारत का एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ये अजान के बारे में, इस्लाम के बारे में ये बोल रहा था और अभी ये इस समय दुबई में है। तो बताए सोनू निगम जी ने क्या किया और उनकी टीम ने जो उनका ट्विटर अकाउंट था ना वो डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये खबर देखो। उस बयान को सऊदी प्रिंस ने ट्वीट करते हुए ये बताने की कोशिश की कि देखिए ये किस तरीके से इस्लामोफोबिया आपके राज में बढ़ा है, पर हुकूमत ने कोई जवाब दिया हो या ना दिया हो, पर अब असर ये हुआ कि सोनू निगम से जब सवाल पूछे गए तो उनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो असर हुआ है और असर होगा, ये कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। पर लगातार दूसरे मुल्कों में जो ये पूरा वीडियो देखना चाहता हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। भाई मुझे तो एक ही बात समझ में नहीं आती, ये जितने भी क्या बोलते सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म की दुहाई देने वाले लोग हैं, या भारत के अंदर इस्लाम को, अजान को, मुसलमानों को इतनी गालियां देते हैं, लेकिन जैसे बाहर के देशों में जाते हैं उनके आगे झुक क्यों जाते हैं समझ में नहीं आता है। अक्सर ऐसा ही होता है, भारत के अंदर जितने भी बीजेपी वाले हैं, आरएसएस के लोग हैं, भक्त लोग हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन अगर मुसलमान कंट्री का कोई व्यक्ति कोई ट्वीट कर दे तो भैया पीएमओ का फटाक से ट्वीट आ जाता है कि भैया हम तो भाईचारा चाहते हैं, हमारे देश में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता इस्लाम या हिंदुइज्म को लेकर। ऐसा क्यों होता है नीचे कमेंट करके बताइए। इतना डरते क्यों है हमारे देश के भक्त, आरएसएस और बीजेपी वाले, फटाक से नीचे कमेंट करो। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है राहुल आर्या को लेकर, जो कि एक यूट्यूबर है और अपने आप को कहते हैं कि वो हिंदू धर्म के प्रचारक है, सनातन धर्म के रक्षक है। भाई उनका कहना है कि जिस प्रकार से पाल घर में जो लिंचिंग हुई है, जो कि बहुत बड़ी दुख की बात है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लिंचिंग किसी की भी हो कभी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बुरी बात होती है। लेकिन ये भाई साहब जो है राहुल आर्या, इनका कहना है कि जिन लोगों ने लिंचिंग की है, जिन लोगों ने उन साधुओं को मारा है, उनको बीच चौराहे पर लाकर मारो, संविधान की धज्जियां उड़ा दो, यानी कि मतलब उनका कहने का मतलब है कानून तोड़ दो, और ये क्रूरता का जवाब, ये जो लिंचिंग करी है इसका जवाब लिंचिंग से देना चाहिए, मतलब बदला लो। ये लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी भाषा शैली पर ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो देखिए। लेकिन मैं प्रशासन को कहना चाह रहा हूं कि जब तक ऐसे दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा चौक चौराहे पर नहीं दी जाएगी, उसी प्रकार से पीट पीट कर नहीं मारा जाएगा जैसे इन्होंने मारा है, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। अरे लाखों पालघर हो चुके, लाखों अभी बाकी हैं, कौन किसका क्या करे, भीड़ तंत्र जाकी है, जिसके पास भीड़ तंत्र है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। डायरेक्ट एक्शन डे जैसे बहुत हो चुके हैं, लाखों करोड़ों लोग दंगों में मारे जा चुके हैं, लाखों करोड़ों अभी लाइन में खड़े हुए हैं। इस क्रूरता का सामना क्रूरता से किया जा सकता है और कोई समाधान नहीं है। मैं गाइस ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो इनका तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। आप देखिए जब इस देश में लोग चाहते हैं कि शांति हो, लोग लॉकडाउन का पालन करें और क्या बोलते हैं कोई भी हिंसा ना हो, तब ये व्यक्ति ऐसी वीडियो बना रहा है जिससे हिंसा भड़क सकती है। जो भी इसके फॉलोअर्स होंगे शायद इन सारी चीजों को सीरियसली ले ले और इन उन फॉलोअर्स के अंदर मुसलमानों को लेकर या फिर जो आदिवासियों ने उनको मारा है उनके प्रति हीन भावना आ जाएगी, और जब भी कोई ऐसा मौका मिलेगा उन लोगों को तो वो लोग भी लिंचिंग करना शुरू कर देंगे बदले की भावनाओं से। तो ये बंदा सीधा सीधा लोगों को भड़का रहा है, ऐसा इसकी बातों से साफ साफ प्रतीत होता है दोस्तों। तो इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बंदे के बारे में नीचे कमेंट करके फटाक से बताइए, जो भी आपका ओपिनियन है। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो धाकड़ लगा या नहीं लगा नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाक से लाल कलर का बटन दबाइए, बाजू में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबाइए, और आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले पाइए। तब तक के लिए बाय बाय।